सो फ्रेंड्स, चना जोर गरम सीखने मैं आ गई हूँ मिसेस नीलम बंसल के पास. वेलकम टू स्मार्ट किचन. थैंक यू अदिति. बहुत ही ज्यादा अच्छी रेसिपी है, फेमस रेसिपी है चना जोर गरम, लेकिन मैंने कभी घर पे बनाई नहीं. तो बाहर जाकर मैं खाती जरूर हूँ, लेकिन घर पर कभी नहीं बनाई. बनाएंगे कैसे, यही हम आपसे सीख रहे हैं, यही हम आपको सिखाएंगे. इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चाहिए. तो इसके लिए देखिए, ये काला चना है, बॉईल करा हुआ है, भीगा है और हल्का बॉईल करा हुआ है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है. ये पिचा हुआ है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी पीच के. नींबू का रस, अदरक, हरी मिर्च, उबले हुए आलू, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, टमाटर, मीठी चटनी, ऑयल, नमक और चाट मसाला. तो क्या हम जो चना जोर गरम खाते हैं वो हम मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ, तो क्या हम उसे फ्राई करते हैं? बिल्कुल फ्राई करते हैं, जिसके लिए कि मैं पहले तो इसमें ऑयल छोड़ने जा रही हूँ. खूब सारा ऑयल क्योंकि डीप फ्राई होते हैं. अब इतने हमारा ये ऑयल होगा, मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि किस तरीके से इसको आप करेंगे. ये देखिए, जैसे आपने चने उबाले हैं, बिल्कुल डी शेप नहीं हुए हैं चने, और इनको आप इस तरीके से हल्का सा हाथ से पीछेंगे. ओके, ये हमने लिया और ऐसे करके और हमने ऐसे पीछ दिया. बिल्कुल इस तरीके से पीछते जाएंगे और फिर इनको हम, जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इनको डीप फ्राई करेंगे. तो आप इसके साथ गाना गा सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसके साथ आप इसको पीच सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं. ये भी आप एंजॉय कर सकती हैं, अपने बच्चों से करा सकती हैं. और ये देखिए, कुछ तो काम कर ले. बिल्कुल. और ये देखिए, ये हमने, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है काम. बिल्कुल, आप बैठ के एक एक दाना करो, तुम्हें फिर चाट मिलेगी. तो ये देखिए, मैंने करा हुआ है, इसीलिए पहले से ही करा हुआ है, क्योंकि इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है. और इसी चीज़ की वजह से ही चना जोर गरम बहुत कॉस्टली मिलता है. अब मैं पहले एक डाल के देख रही हूँ. ये देखिए, इस तरीके से बस इसको हमें डालना है और निकालना है. ये इस तरीके से धीरे धीरे वो अपने आप ही हो जाएगा. तो आप तो अब मैं प्लेट लेना चाहेंगे? हाँ, या एक बोल लेना चाहेंगे? पहले मैं इसको प्लेट में निकालूंगी. अब मैं इसको जो है इसके अंदर डालूंगी. ओके, नहीं तो ये इधर उधर भागेंगे सारे. तो इसलिए अब मैं पकड़म पकड़ाई खेलेंगे. तो इसलिए इसको जो है मैं इस तरीके से इसको, ये बहुत बेहतरीन तरीका है इसे फ्राई करने का. नहीं तो एक एक दाने को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है. वही कहना आपका कि पकड़म पकड़ाई हो जाएगी शुरू. तो अदिति देखिए, ये हमारे सब तल गए हैं, बस थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और तरीके से थोड़ा सा करना पड़ता है. अदरवाइज तो फिर चाट, हम जैसे इसको एज इट इज़ भी चाट मसाला डाल के सर्व कर सकते हैं. ठंडा होने पे करारा होगा ये. तो आप मुझे टिश्यू वाला पे वो दे दीजिए प्लेट. तो आप इस तरीके से सोक करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर जाए. अब ये जो है इस तरीके से हमने ऐसे कर दिया है. तो फ्रेंड्स, ये क्रिस्पी हो चुके हैं. हाँ, अब इसकी मैं चाट बनाती हूँ. ओके, तो इसके लिए आपको बोल चाहिए. ये आप प्लेट उधर रख दीजिए. इस तरीके से हम निकाल लेंगे. धीरे से इसमें आप शिफ्ट कर दीजिए इसको. खर 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 आवाज़ आ रही होगी क्रिस्पीनेस की, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छे बने हैं. और ये हम यूज़ कर लेते हैं स्पून. देखिए, तो चने तो रेडी हैं. अब इसमें अदिति मैं जो है थोड़ा सा चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ. अब जो बाकी प्रोसीजर होगा वो चाट का होगा. मज़ेदार चाट. चॉप्ड अनियन, पोटैटोज, ये जितना जिसको जितना शौक हो, टमाटोज, इसके बाद अदरक, हरी मिर्च. ओके, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जितना जिसको पसंद हो. तो ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही, थोड़ा सा हल्का सा हरी मिर्च मैंने ज़्यादा डाल दी है. चाट मसाला, और नमक थोड़ा हल्का ही डालना है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है. तो इसको थोड़ा सा, अब इसको मैं मिक्स करूंगी. पहले इसको आप टॉस कर लेंगी अच्छी तरीके से. अच्छी तरह टॉस करके ये देखिए, इसके बाद आप मुझे वो जब वो दे दीजिए प्लेट जरा. वाओ,
के ऊपर रवा दी थी, मैं थोड़ी सी मीठी चटनी डाल रही हूँ, जो कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। नहीं डालना हो, जिन्हें पसंद ना हो तो वो नहीं भी डालें, कोई ऐसी बात नहीं। और ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर जूस, हाँ कोरिएंडर, और थोड़ा सा लेमन जूस। चाट मसाले में ऑलरेडी बहुत खटास होती है, तो इस तरीके से अदिति हमारी चना जोर गरम की चाट बनके तैयार। और मैं इसे टेस्ट, इस महंगी वाली, इस बहुत ही डिलीशियस वाली चाट को, यानी कि चना जोर गरम को टेस्ट करने जा रही हूँ। हमें लेते हैं एक स्पून, बहुत मजेदार है। थैंक यू। जो आपने इसमें मीठी चटनी डाली है उससे इसका स्वाद और ज़्यादा इन्हांस हो जाए, तो एक टिप है, तो मीठी चटनी ज़रूर ऐड करिए, और साथ में जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो नॉर्मल है, जैसे कि चना जोर गरम में डलते हैं। फिलहाल तो मैं इन्जॉय कर रही हूँ इस बेहतरीन चाट, यानी कि चना जोर गरम को। आप भी बनाइए और अपने घर वालों को खुश कीजिए और स्मार्ट किचन का हिस्सा बन जाइए। चना जोर गरम बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए काले चने, नींबू का रस, हरी मिर्च, उबले हुए आलू, प्याज, धनिया, टमाटर, मीठी चटनी, तेल, नमक, चाट मसाला। पैन में तेल डालें, काले चने को डीप फ्राई करें। बोल में काले चने, प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, चाट मसाला और नमक डालकर मिक्स करें। लाल चटनी, हरे धनिया और नींबू के रस से गार्निश करके सर्व करें। चना जोर गरम तैयार है।